इनको शैल सही कर रही है, ये आगे से आशकाने सूल पर वार कर रहे हैं। ये एम्बुलेंस भी साथ इनके मिली हुई है। हमारे दो कारकुनों को शहीद कर दिया इन्होंने, एक छोटे से बच्चे को शहीद कर दिया, डंडे मार मार के शहीद कर दिया। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कोई जंगल नहीं है, सब घर हैं, घरों में औरतें बच्चे वो भी घर में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका सब जिम्मेदारी इमरान खान और वक्त के हुक्मरान पर है। ये देखें हमारे ये बुजुर्ग हैं, कितनी इसकी बुरी हालत हुई है ये देख सकते हैं आप अपनी आंखों के सामने। ये कोई अपने मुफाद के लिए नहीं आया, या कोई अपनी नौकरी के लिए आया, ये जोर की इज्जत पर पहरे देने के लिए आया। कि अगर जोर की इज्जत पर पहरा ना दे सके तो हमारे जीने का भी कोई मकसद नहीं है। जो यहाँ से जाएगा वो कलमा छोड़ के जाएगा। ये अब मैदान जंग पहुंच चुका है, जहाद फर्ज हो चुका है। हमारे कारकुनों को बेहोश किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने। इतना जुल्म, कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ने के वालों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये किसका दिफा कर रहे हैं? ये आसिया मौलाना गुस्ताख का दिफा कर रहे हैं। नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले कब्र में, क्या आसिया मौलाना ने आना है कब्र में? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है, उनको मुंह दिखाना है। अगर रसूल पानी नहीं है यार थोड़ा इधर। सब यहाँ पे पहुंचे, हमारे कारकुनों को दो को जख्मी कर दिया, दो को शहीद कर दिया। दिखा सकता था मैं, बैटरी भी लो हो गई है। और आप जितने आशकान रसूल हैं अब जल्द से जल्द यहाँ पे पहुंचे, यहाँ मैदान जंग बन चुका हुआ है। ये देखें, ये एक आम दुआनी सारा।